शरद जी को कि आप नौजवानों पर भरोसा कर सकते हैं। कर्पूरी जी, लोहिया जी की लड़ाई, लालू जी की लड़ाई, जो आप लोगों ने जो मंडल कमीशन करके जो दिखाने का काम किया है, सही मुकाम पर अगर पहुंचाएगा तो आने वाली पीढ़ी वो पहुंचा करके सामाजिक न्याय करके दिखाने का काम करेगा। देश में सबका बराबरी का अधिकार है, जो आपने प्रिमिनल पढ़ा, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, मैं वादा करता हूं कि उसको बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए जो करना पड़े वो हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप लोग तैयार है कि नहीं, ये हाथ उठा करके बताइए। तैयार है? साथ लड़िएगा, देश को बचाइएगा, बिहार को बचाइएगा। देखिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटेगा। बड़ी उम्मीदों के साथ अपना जीवन इन लोगों ने कुर्बान किया है, चाहे लालू जी हो, शरद जी हो, सिद्दीकी जी हो, रघुवर जी हो, दिन रात लग करके। लेकिन अफसोस है कि इन्हीं के साथी जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए। हम तो सम्मान से चाचा भी कहते थे उनको, लेकिन अब हमने फैसला किया, जो लोकसभा में इन्होंने नागरिक बिल ला करके भाजपा को वोट देने का काम किया, आज सब उनको चाचा नहीं कहेंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बोलेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने डकैती करने का काम किया है, ये सम्मान उन्होंने खो दिया है। जो देश का टुकड़े टुकड़े करने का काम करेगा, जो सामाजिक न्याय को खतरे में डालने का काम करेगा, जो देश की एकता शांति को भंग करने का काम करेगा, उसके लिए मेरे लिए कोई सम्मान नहीं रहेगा। और बिहार में जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है बिहार, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, ये डबल इंजन की सरकार लोग कहते थे, किस बात का डबल इंजन का सरकार है, हमको नहीं नजर आता। एक अपराध में, एक भ्रष्टाचार में, एक वो गाना सुने होंगे आप, पुराना गाना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, सुना है कि नहीं सुना? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बिहार में क्या देख रहे? देखा है पहली बार अपराधियों के पैर में सरकार, ये स्थिति है, अपराधियों को संरक्षण दे रहे सरकार, बहुत दुखद है। आज फिर जो है सुनने में आया कि घटना हुई बेतिया में, चंपारण में, जो महात्मा गांधी ने जहां से महात्मा कहलाने का काम किए, आज उस जगह जो है हमारी बहनों के साथ छीलहरण हो रहा है, अपराध जो है बेलगाम हो गया है। क्या हुआ नीतीश कुमार जी, आपका सुशासन? देखिए, नीतीश जी भारी डरपोक आदमी है, उनको कोई काम नहीं है, थक चुके हैं, बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं, बस इसी काम में, तिगरमबाजी में लगे हुए रहते हैं कि उनको कुर्सी पे कैसे बैठे रहे। हम लोग तो देश के बाहर भी जाते हैं, बिहार भी घूमते हैं। हम लोग जितने गुस्से में थे जब धोखा दिया था, उससे ज्यादा तो बिहार के लोग आक्रोशित हैं। बिहार की जनता नहीं देखना चाहती उनको अगला मुख्यमंत्री, ये बात समझ लीजिए। और आज जिस प्रकार से समर्थन किए हैं उन्होंने नागरिक बिल का, एनआरसी का समर्थन किए, ट्रिपल तलाक का समर्थन किए, 370 धारा का समर्थन करने का काम किया, क्या नीतीश कुमार कहते थे? देखो भैया, बात समझ आई नीतीश जी, है क्या असल में नीतीश कुमार, क्या कमिटमेंट है उनका? सब लोगों ने सुना बात, 3C, 3C क्या है? कम्युनिज्म, दूसरा करप्शन, तीसरा क्राइम। दंगा फसाद हो रहा कि नहीं हो रहा, लिंचिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, मॉब लिंचिंग हो रहा कि नहीं हो रहा? अश्वनी चौबे के बेटे ने FIR फाड़ा कि नहीं फाड़ा? 1 किलोमीटर दूर से मत को क्या गिरफ्तार कर पाए? सीतामढ़ी की घटना को याद करो, क्या हुआ? ठीक सत्ता रात को रात डकैती करके चले गए उधर, उसके बाद से ये घटना हो गई, यानी कॉम्प्रोमाइज किया। दूसरा भ्रष्टाचार, करप्शन, सृजन घोटाले जैसे 45 बड़े घोटाले हुए, वहां भी कॉम्प्रोमाइज, जितना सृजन घोटाला था सबके बचा लिए, क्या हो रहा है जांच का पता नहीं। क्राइम,
बिहार में जितना अपराध बढ़ गया है, जहां बेटियों को इज्जत सम्मान नहीं रह गया, एफआईआर तक नहीं लिया जाता है, डेली लूट मार, डेली सो मर्डर हो रहा है बिहार में, 50 रेप हो रहा है। ये कहते थे शराबबंदी करेंगे लेकिन होम डिलीवरी हो रहा, क्या कमिटमेंट रहा? आप बताओ क्या कमिटमेंट पूरा किया? लालू जी के कमिटमेंट को याद कीजिए, देश को एक रखने के लिए बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन बना के फैसला लिया कि बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। लिया था कि नहीं लिया था? सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी लालू जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? आप देखिएगा स्पीकर का पद भी दिया, सारी चीजें दी, मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने लालू जी के साथ क्या किया, क्या साजिश किया, हम लोगों के साथ क्या साजिश किया? तो आप सोच सकते, जो व्यक्ति जो खत्म हो गया था, जिसको लालू जी ने जिंदा करने का काम किया, फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो व्यक्ति अगर लालू जी को ठग सकता है, देश की जनता को ठग सकता है, अपने विचार का सौदा कर सकता है, सत्ता की कुर्सी के लिए सिद्धांत को बेच सकता है, तो वो किसी के साथ जो है वफादारी नहीं कर सकता। ये बात जान जाइए। और जो जो लोग आज नीतीश कुमार जी के साथ रहे, सब आज कहां खत्म कर दिया उन्होंने सबको। ये बात याद रखना, आज भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, देखिए लालू जी का यही है नीतीश जी से फर्क।